Welcome everyone, welcome at CS Nurse Home Video Cell GST Update. मैं चेतन कुमार वर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से GST अपडेट्स के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हमारी जर्नी शुरू की थी GST रजिस्ट्रेशन से, आप सब लोगों का साथ मिलता गया, सपोर्ट मिलता गया और एक एक करके हम आज GST रिटर्न तक पहुंच गए। आज जो मेरे चैनल के ऊपर या जो मुझे सबसे ज्यादा क्यूरीज आ रही है वो दो ही चीज की आ रही है, एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल कैसे चेंज हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन था, जो हमारे चैनल पे आने से पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे किसी मीडिएटर के थ्रू, प्रोफेशनल के थ्रू, लॉयर के थ्रू, वकील के थ्रू या जो कोई भी नाम उन्हें आप दे सकते हो, उन लोगों ने एक सिली मिस्टेक आप कह सकते हो या जानबूझ के एक काम किया, उन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर और ईमेल आईडी में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे दे दिया। अब फॉर फर्दर प्रोसेस जिन लोगों को पता है, अगर वो अपनी रिटर्न वगैरह फिल करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं एक्स वाई जेड, तो जो भी एडिटिंग होती है इवन इन नॉन कोर फील्ड के अंदर भी, तो वहां पे ओटीपी नीडेड होता है और वो ओटीपी उन लोगों के पास में जाता है। तो मेरे पास में फिलहाल कंटिन्यू ये क्यूरी शुरू है, मैंने कुछ वीडियोज भी बनाया है जिसमें मैंने आपको एक ईजी वे बताया है कि जिसमें आप नॉन कोर फील्ड्स को चेंज कर सकते हो। अगर वहां से नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर एक बैक हैंड के अंदर एक नया ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि वो जो आपका मीडिएटर था, जो आपका जीएसटी क्रिएटर था, अगर वो आपका नॉन है, फैमिली है तो बात अलग है, अदरवाइज उनको अपडेट करने के लिए भी उनके पास में पहले ओटीपी जाएगा और वो आपको पूछेगा कि आपको ओटीपी क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए और ओटीपी का टाइम उतना ही होता है, मे बी वो आपको ना दे। अभी तक जीएसटी पोर्टल पे स्पेशली बाय जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी पोर्टल ये फैसिलिटी, डायरेक्ट एडिटिंग की जो फैसिलिटी है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हो सकी है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आई होप कि इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ मिड तक जिस तरीके के अपडेट्स हैं, जिस तरीके से हमें कम्युनिकेशन से पता चला है कि एक 30 डेज के पीरियड में शायद ये फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पे डायरेक्ट अवेलेबल हो सके। तो तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी से भी झगड़ा मत कीजिए इस चीज के लिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप लोग रिटर्न भर सकते हो, आपको नील की भी रिटर्न भरनी होगी या जिन लोगों को नील की रिटर्न नहीं भरनी है कुछ वाउचर्स के लिए होंगे, आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मुझे पता है, मे बी पॉसिबल कुछ मिस्टेक हो, तो ये आप इसे एक लर्निंग पार्ट समझिए। एक फर्स्ट रिटर्न के अंदर आप जो भी वो चार्ज करते हैं 1500 रुपए वो आप उन्हें दीजिए, उस रिटर्न को आप भी देखिए कि उन्होंने किस तरीके से फिल किया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल की है, किस वे के अंदर टैक्स कैलकुलेट हुआ है, किस वे में पेड करना, एक प्रोसेस देख लीजिए आप। क्योंकि आप अगर कहीं पे इंस्टीट्यूट पे भी जाते हो जीएसटी के रिगार्डिंग ये सब अगर टेक्निकल वर्किंग सीखने के लिए, तो भी आपको पेड करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा काम के काम गुठलियों के दाम, नॉट आम के आम, इट्स अ काम का काम, इट मींस आपका काम भी होगा, एक वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा और उसके बाद में आप जिस दिन अपने आईडी और पासवर्ड चेंज कर लेते हो ओटीपी के लिए, तो उस दिन वो अपने आप हट जाते हैं, तो आपको किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं जीएसटी के लिए। जीएसटी आर वन के अंदर मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिन्होंने जीएसटी आर वन फाइल किया है, लेकिन उन लोगों को अभी तक क्रेडिट और डेबिट नोट्स का नहीं पता है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि क्रेडिट और डेबिट नोट्स किस तरीके से काम आते हैं, किस तरीके से वर्किंग में आएंगे। तो ये आपका जीएसटी का डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड पे आप गए, यहां पे आप सर्च कर लीजिए अपने रिटर्न्स को, जीएसटी आर वन के अंदर आप गए, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखिए दोस्तों दो क्रेडिट और डेबिट नोट्स है, एक रजिस्टर्ड के लिए और एक अनरजिस्टर्ड के लिए। तो हम रजिस्टर्ड पे जाते हैं, सबसे पहले हमें देखना यह है कि क्रेडिट और डेबिट नोट्स होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा बट जो लोग अभी नए हैं, जो कॉमर्स फील्ड से अनटच हैं, उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूं, ये एक सिर्फ नाम है, ये काम आप बहुत पहले से कर रहे हो। आपने जितने भी व्यापारी लोग हैं उन लोगों ने कच्ची चिट्ठी का नाम सुना होगा कि हम कच्ची चिट्ठी बनाते हैं। पहले क्या होता था, हम माल भेज देते थे,
कई बार ऐसा होता था कि जो भी माल है, जो भी यूनिट वाइज है, मान लीजिए 10 बॉक्सेस हमने सेंड किए हैं, 10 बॉक्सेस की जो प्राइस होती थी वो प्राइस हमने एक लमसम प्राइस जिसे कहते हैं कि हाँ 1,000 रुपये 100 रुपये बॉक्स के हिसाब से हमने उन्हें भेज दिया पार्टी को। पार्टी के पास में मटेरियल पहुंच गया, पार्टी ने मटेरियल खोल के देखा, मटेरियल के अंदर उन्हें 10 बॉक्स के अंदर आधा बॉक्स का जो मटेरियल था, यानी उसकी जो मान लीजिए एक बॉक्स में 10 यूनिट थी, तो उस बॉक्स के अंदर उन्हें 5 ही यूनिट मिली। पार्टी ने हमें इंटीमेट किया कि यार ये एक बॉक्स आधा ही आया है, फुल मटेरियल नहीं आया। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे कि हाँ भैया नेक्स्ट तेरा जो माल भेजेंगे उसके अंदर मैं 5 यूनिट और ज्यादा कर दूंगा तो अपना बराबर हो जाएगा। ये एक एडजस्टमेंट था हमारा। दूसरा, हम पार्टी को मटेरियल भेजते थे, मान लीजिए वो मटेरियल डैमेज हो गया ट्रांसपोर्ट में, पार्टी हमें वापस भेजती थी, लेकिन हम इनवॉइस बना चुके होते थे, हम इनवॉइस भी सेंड करते थे, मटेरियल वापस आता था, हम उस इनवॉइस को कट पेस्ट जो भी करते थे हमारे सॉफ्टवेयर में, टेली में, हमारे अकाउंटिंग में उसे एडजस्ट करते थे। तीसरा, पार्टी के पास में मटेरियल गया, हमने 1,000 रुपये का वाउचर मान लीजिए उसे भेजा, लेकिन जब प्राइस कैलकुलेट हुई, हमने एक लमसम प्राइस के थ्रू उसे इनवॉइस बना के सेंड कर दिया, लेकिन जब प्राइस कैलकुलेट हुई तो हमें पता चला कि यार इसके अंदर 50 रुपये का डिफरेंस है, तो पार्टी ने हमें इंटीमेट किया। अब ये काम सारे पहले फोन पे हो जाते थे। अब जीएसटी के ऊपर क्या हो गया कि आपने इनवॉइस जनरेट कर दी, इनवॉइस पार्टी के पास में चली गई, अब वो हमें फोन पे बोलेंगे तो हम जीएसटी पोर्टल वालों को या जीएसटी काउंसिल को फोन पे नहीं बोल सकते कि भैया उसके पास में आधा ही मटेरियल गया है या कुछ यूनिट्स कम गए हैं, उसका डैमेज मटेरियल मेरे पास में आया है, क्योंकि यहां पे हमें सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो अपडेशन है, ये जो क्रेडिट डेबिट का जो खेल है, ये पूरा यहां पे आप क्रेडिट डेबिट नोट्स में कर सकते हो। कैसे? एड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, रिसीवर जिसको आपने माल भेजा था वो रिसीवर का आपको जीएसटीएन नंबर यहां पे डालना है, जैसे ही आप डालोगे रिसीवर का नेम यहां पे आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट का जो भी आपका नोट नंबर होगा वो आपको डालना है, डेबिट क्रेडिट नोट की आपको डेट डालनी है, ओरिजिनल जो इनवॉइस नंबर था यानी आपका 0102 जो भी रहा होगा जो आपने पार्टी को सेंड किया था वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है, उसकी डेट डालनी है, नोट टाइप कैसा है, क्रेडिट है या डेबिट है, डेबिट क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप क्रेडिट देखिए, क्रेडिट आपको सेलेक्ट करना है, नोट की वैल्यू कितनी, आपकी 6,000 का डिफरेंस है, 7,000 का डिफरेंस है, जो भी आपका अमाउंट है 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए जो भी आपका अमाउंट है डिफरेंशियल अमाउंट वो नोट की वैल्यू डाल सकते हो। सप्लाई के अंदर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया था, इंट्रा स्टेट, ये दोनों सप्लाई आपको देखनी है, और रीजन फॉर इशूइंग नोट, ये रीजन आपको देखने हैं यहां से दोस्तों, सेल्स रिटर्न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट हो गया, डेफिशिएंसी इन सर्विस हुआ, करेक्शन इन इनवॉइस हुआ, चेंज इन पीओएस हुआ, फाइनलाइजेशन प्रोविजनल असेसमेंट है, या फिर अदर कोई रीजन है। इसमें डेफिशिएंसी इन सर्विस में आप मान सकते हो आपने कोई प्रोडक्ट सेंड किया और मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपायरी जो डेट थी वो 2 दिन बाद की थी या 4 दिन बाद की है या 1 हफ्ते बाद की है, मटेरियल पार्टी के पास में पहुंचा, पार्टी ने जैसे ही देखा कि यार इसकी मटेरियल पहुंचते पहुंचते 3 से 4 दिन हो गए, अब सिर्फ 2 ही दिन बचे एक्सपायरी में, पार्टी ने हमें इंटीमेट किया कि यार भैया ये तो आपका मटेरियल जो है वही एक्सपायरी डेट का आ चुका है, तो ये पूरा सेल्स रिटर्न हो सकता है। डेफिशिएंसी इन सर्विस, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए एफएमसीजी के हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टाइमली एकदम विद गुड पैकिंग के हिसाब से पार्टी के पास में पहुंचनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हुआ, वो पार्टी के पास में नहीं पहुंच पाए उस तरीके से, डैमेज हो गए या और कुछ हो गया, जो जिम्मेदारी थी उनकी कि आपको वहां पे वो पार्सल जो है वो एकदम अच्छे से पहुंचाना था। डेफिशिएंसी इन सर्विस मतलब बहुत बड़ा स्कोप है डेफिशिएंसी इन सर्विस का, ऐसी सर्विस जो अप टू डेट, अप टू टाइम, अप टू मार्क, अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए, अगर उस सर्विस में कहीं पे भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो डेफिशिएंसी इन सर्विस में आ जाता है। करेक्शन इन इनवॉइस, अगर कुछ इनवॉइस के अंदर करेक्शन हो तो वो यहां पे आ जाता है। तो ये सब डिटेल आपको फिल करके दोस्तों इसे सेव करना है। अब आपने सेव किया, अब रिसीवर ने जब देखा तो यहां पे रिसीवर पहले से यहां पे जो है वो उसे रिसीवर जो है वो यहां पे अपलोड करेगा कि भैया ये हुआ है। अब आप रिसीवर आप देख सकते हो रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है और पेंडिंग है, आप उसे एक्सेप्ट करोगे। मॉडिफाइड बाय रिसीवर, आपने कुछ क्रेडिट नोट अगर अपलोड किया था, रिसीवर ने देखा मॉडिफाइड बाय रिसीवर हुआ, रिजेक्टेड बाय रिसीवर,
हो सकता है रिसीवर उसे रिजेक्ट भी कर दे कि हाँ ठीक है जो हुआ वो आपका अगर कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में बैठ गया तो आपने सोचा कि चलो ठीक है यार कोई नहीं अगले वाले में देखेंगे, तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। ये क्रेडिट नोट की बात थी। इसकी एक टाइम लिमिट है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आप इसे ले सकते हो, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं रहेगा। ये जो क्रेडिट है आप जब क्रेडिट नोट को फाइल करोगे रिटर्न के साथ में आपको इसको पूरा अटैच करके दिखाना रहता है। इसका इफेक्ट जो है आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी यानी ये जो क्रेडिट आपको मिलेगा ये क्रेडिट फिर अप्रूवल होके आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है कि भैया मैंने 50,000 का माल भेजा था, पार्टी ने मुझे 20,000 का माल वापस भेज दिया, अब आपने तो इसके ऊपर 20,000 ऑलरेडी 20,000 के ऊपर भी जीएसटी पेड किया था, तो वो 20,000 का जो जीएसटी है जो आपने पेड किया है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट नोट जो है, डेबिट नोट ये है आपने माल भेजा 40,000 का बट बाय मिस्टेक काउंटिंग में मानिए किसी भी तरीके से मानिए वो 30,000 का मटेरियल हुआ, आपने जीएसटी पेड कर दिया, पार्टी के पास में गया या आपको बाद में ध्यान में आया कि यार मटेरियल 40,000 का गया हमने जीएसटी कम पेड किया है, या जैसा भी आपको इनवॉइस में समझ में आया, तो डेबिट नोट कोई इशू नहीं है, आप कभी भी अपलोड कर सकते हो क्योंकि वो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाएगा, तो गवर्नमेंट की तिजोरी आप लोगों से लेने के लिए हमेशा खुली है, लेकिन आप लोगों को देने के लिए एक टाइम बाउंडिंग है यानी क्रेडिट नोट की टाइम बाउंडिंग है। क्रेडिट नोट का एक परफेक्ट रेशियो आप देख सकते हो, क्रेडिट नोट का एक परफेक्ट परफॉर्मा आप लोग देख सकते हो, क्रेडिट नोट का एक परफेक्ट प्रोसेस है जो रिसीवर और सेंडर दोनों की तरफ से परफेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद में मॉडिफाई अगर उसमें कुछ होता है, मॉडिफाइड बोले तो यहाँ से मान लीजिए पार्टी ने फिर मॉडिफाई करके नई इनवॉइस सेंड किया तो वहां पे वो उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे आपने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए मान लीजिए टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, अब गवर्नमेंट को आप बोल रहे हो कि भैया इसमें से 2,000 रुपए मुझे वापस दो, तो गवर्नमेंट तो थोड़ी तो दुखी होगी, तो इसके लिए ये प्रोसेस है दोस्तों। तो ये क्रेडिट और डेबिट नोट की समरी थी। मैं सोचता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें इसे जरूर यूज करना चाहिए। आपका एक एक पैसा जो आपने टैक्स में पेड किया है जीएसटी पे वो आपका हक है। अगर कहीं पे भी आपको लॉस होते दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में आ गया, आपने मटेरियल सेंड कर दिया फिर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है, तो डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज कीजिए दोस्तों। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तो आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आए ना आए उसका क्रेडिट आपके अकाउंट में आएगा, वो भी इक्वल टू मनी है। तो ये आज का एक अपडेट था क्रेडिट और डेबिट नोट का, आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल जीएसटी अपडेट्स हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।